वही कट जा एक संजोग से मस्त में बिल्कुल सेम है। स्वर्ग में घूम रहे हैं आकर के। ओल्ड रोड यार एक तरह से बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। एक कटोरी मिली है इतनी सी तो किसी के मुंह में पा लिया। बर्फ में इतना परेशान है। तो मॉल रोड पे घूम रही है ये और इस समय मॉल रोड की जो हालत है ना भाई साहब वो देखने लायक हो रखी है। ये पूरा मॉल रोड है गजब। मतलब कल तो क्या गिर रही, मतलब कल बड़ी बड़ी गिर रही थी, आज है ना छोटी छोटी गिर रही बारीक बारीक और हवा के साथ गिर रही है। अच्छा लग रहा है देखने में, मस्त शानदार फर्स्ट क्लास। जिंदगी यही है भाई साहब, जहाँ रिस्क है वहीं इश्क है अपने को। तो घूमते हुए चल रहे हैं। कहाँ रह गई? अरे यार मैं आपको ढूंढ रहा था। आप आते हो तो 50 रुपए लगते हैं फोटो सेशन के और 100 रुपीज लेते हैं ये ऐसे बैठा के पूरा मॉल रोड एक चक्कर घुमा देंगे। तो अगर आप आओ तो यहाँ के सवारी करके जाना भाई, कुछ कुछ चीजें छोटी मोटी यादें हैं तो करके जाओ पूरी कंप्लीट। वैसे सिमरन यहाँ पर है इस समय। चलो जलेबी रही आप, चलिए भैया मॉल रोड के ऊपर ये शॉप है, कल भी हमने यहाँ पे खाया था। अब होता है ना तो इसके यहाँ पे मतलब अच्छा है, आप आते हो तो बेस्ट है। तो किसी के पास खा सको, कोई स्पॉन्सर तो है नहीं कि मैं इसके लिए बोलूंगा है। चलो भैया जी सुड्डू खाएंगे, सुड्डू सुड्डू कुड्डू पुड्डू खाएंगे। एक बार और। तो किसी के मुंह में पानी आया तो मनाली आओ तो खा के जाओ, शॉप ये वाली है। चलो अंदर मिलता हूँ मैं आपसे। तो इन्होंने सुड्डू वगैरह कुछ ऑर्डर किया है वो खाएंगे। नॉर्मली देखो टेस्ट तो नहीं पता पर मुझे, हाँ मेरा कई लोगों को खाते देखा है तो हम भी बताएंगे कैसा टेस्ट है। रुक जाओ थोड़ी देर, वेट करो आप, दिखाते हैं और खाते हैं। तो गाइस ये आ गया सुड्डू, लोकल फूड है। आते हो तो देखो लोकल चीज़ खा के जाओ आप, ठीक है। घी लाल चटनी, इसमें घी डला हुआ था ऑलरेडी, इसमें घी डला हुआ है ठीक है। खा के एक पीस उठाओ बस। हाँ एक पीस उठाओ और ये बताती हैं कि कैसा है। तो लोकल फूड है, खाने आते हो ना तो देखेंगे कैसा है ये, ठीक है। इसमें लगाओ, इसमें लगाओ, ओके। क्या समझ में नहीं आया? अच्छा नहीं लग रहा है, अलग ही है, लेकिन सही है, अच्छा है। मैं खा के बताता हूँ, इनको पता नहीं है कुछ। भाई मैंने खाया है, इसमें अखरोट वगैरह सब डला हुआ था। आप दोनों चटनी के साथ मिला के खाओ, एक नंबर। तो चलो इसको फिनिश करते हैं फिर मिलते हैं आपसे। नेक्स्ट नेक्स्ट खाने पीने की चीज आइए, मूंग दाल का खाना। ये देखो फोटो भी नहीं ले मेरी लड़की, 100 रुपए का एक कटोरी मिली है, इतनी सी 100 रुपए की मिली है। पर है खाने लायक, कैसा है बताओ आप, कैसा लग रहा है खाने में? अच्छा है पर मेरा ज्यादा टेस्टी होता है। उसकी तारीफ करवा लो कैसे भी करके भाई मोटे को, ठीक है। गुन्नू कैसा लग रहा है मूंग दाल का हलवा, पता है? तो मूंग दाल का हलवा खा रही है। मैंने अपने लिए दूध का गिलास मंगाया, मन करा था बताया पिया जाए। केसर वाला दूध है, 60 रुपए का गिलास मिलता है, वर्लपूल है, पीने लायक चीज है सामने। और अगर बाहर का देखें तो इधर इनका नाश्ता चल रहा है, इधर मेरा दूध चल रहा है और यहीं जस्ट बाहर है ये मॉल रोड है। और यहीं पे देखो बर्फ वगैरह बहुत गिर रही, बहुत मतलब यार अल्टीमेट फुल पैसा वसूले कर आओ। तो देखो दोस्तों अगर आप नए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो ना, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना, आपको ना ऐसे ही आने
कब बर्फ, मतलब ऐसी इस जगह पे लेके जाएंगे जब आपको पता चल जाएगा कि कब कब कहाँ पे क्या चीज़ होने वाली है, और बजट में मिलेगी दोस्तों आपको हर चीज़ बजट में। तो चैनल सब्सक्राइब करो, आपका ही चैनल यार, फैमिली बनते ना फटाफट अपन, अपनी फैमिली बड़ी भी करते हैं। तो मिलते हैं आगे, मैं इसको फटाफट फिनिश करूँ, फिर मॉल रोड चलते हैं, फिर वहाँ मिलते हैं। और कुछ और खाओगे आप? हाँ, और खाओगे कुछ? तो बस अभी फिनिश करके मॉल रोड में मिलते हैं। हाँ, नाम इनका अमित है, नंबर बता दो। 9882803325। ठीक है, 9882803325। वैसे मैं स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, मुझे भैया यहाँ मिले थे और 200 रुपये पर पर्सन ले रहे हैं। बाकी आप इनसे बात कर लेना, आप ये आपको होटल से भी पिक कर लेंगे आकर के। स्नोचैन वाली गाड़ी है तो आराम से ले आएंगे। ठीक है, थैंक यू भैया। तो आप है ना, इस पर हाइपर मत हो, क्योंकि जब आप हाइपर होते हो ना तभी गलत डिसीजन हो जाता है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ कि कभी भी आप किसी भी जगह पर जाओ भाई, देखो आप आए हो ना तो आराम से चले भी जाओगे। अभी जैसे यहाँ पे कई लोग बोलने लग गए कि भैया 3000 रुपये लगेंगे, हम छोड़ के आएंगे वहाँ चाड़ी वहाँ पे। शेयरिंग करो आप, 200 रुपये में बहुत आराम से लेके जा रहे थे। नंबर स्क्रीन पे मैं डाल दूंगा, वैसे इन्होंने बोला भी है। बस हाइपर मत होना आप, जहाँ आप हाइपर हुए वहीं सब कुछ बिगड़ा आपका, ये याद रखिएगा। तो नॉर्मली आप बहुत आराम से घूमो, इन्जॉय करो। बस याद रखना, अगर बस का जो टाइमिंग है ना उसे 2 घंटे पहले आप बस स्टैंड पर पहुँच जाओ तो आपको पता रहेगा कि अगर कुछ और भी चेंजेस होंगे ना तो आपको मालूम पड़ जाएगा। तो बहुत आराम से आप शिफ्ट कर लोगे खुद को बिना किसी टेंशन के। चलिए मिलता हूँ मैं वहाँ पे जाके। आप सामने का व्यू दिख रहा है आपको, ये बेचारे पेड़ ही पूरे पूरे वाइट हो गए। रियल है वो कहता है, रिस्क है तो इश्क है, तो वही वाली बात है। इंजॉयमेंट फुल, मजे फुल, पूरा आप देखो, मतलब स्नो धीरे धीरे बढ़ गई है। जगह है, आइसक्रीम वगैरह भी अच्छी रेट में मिलती है, आप चाहे तो आइसक्रीम वगैरह ले सकते हैं, 40 रुपीज की मिलती है, अच्छी है। मैं तो भाई इसलिए नहीं खा पा रहा हूँ क्योंकि अभी कोविड से उठा हूँ बस इसके लिए। यहाँ पर कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है ये? तो मतलब आ रहे हो ना, ये टाइम सबसे बेस्ट टाइम है अगर इस टाइम पे आ रहा है। धीरे धीरे और बढ़ गई, मतलब बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। स्नो कम क्या होगी, बढ़ रही है उल्टा। तो मॉल रोड पे घूमते हुए आप लोग सब, अच्छा ये मॉल रोड अपना पूरा एंजॉय कर रही है। गुन्नू को हमने कुछ सामान वाले शॉपिंग इन्होंने कर ली, ऑलमोस्ट शॉपिंग करके ये मतलब शॉपिंग करके खुश हो गई। हाँ, शॉपिंग करके खुश हुई है, नहीं तो उससे पहले तो मुंह बना के घूम रही थी। गुन्नू वहाँ पे, हमने गुन्नू को ना वहाँ पे छाया में खड़ा कर दिया जहाँ पे शॉपिंग वगैरह की। तो फुल क्योंकि टाइम थोड़ा कम बचा है, अब जाने वाले हैं, कुछ टाइम इसको बाय बाय कर देंगे और चले जाएंगे। ना स्नो मिलेगी ना कुछ और मिलेगा, फिर कभी और आएंगे तब जाके सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो गुन्नू अपने वहाँ बैठी हुई है, मैं रिकॉर्ड क्या करूँगा फिर, आप उधर कर रहा था, आप घूमते रहो मैं बोलता रहता हूँ, करता रहता हूँ। सबसे प्यारा व्यू मुझे ये लग रहा है, ये वाला दिख रहा है सबसे मस्त, मुझे एक यही लग रहा है देखने में। हाँ, ये कई लोग बोलते हैं बर्फ में ठंड लगती है, नहीं यार इतनी नहीं लगती है। हाँ, ये जब धूप निकलेगी ना तो लगेगी ठंड। तो मॉल रोड यार एक तरह से बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। चलिए टाइम शायद 1-1.5 घंटा और है, फिर हम चले जाएंगे, फिर ये मॉल रोड याद करेगा और हम यहाँ पे फिर आएंगे। कोशिश करते हैं, देखिए आई सो आप सब आशाओं को यहाँ पे घूम पाओ, आपको पता चलेगा कि बहुत कम खर्चे में आप यहाँ पे आते हो। ये सब चीज़ें आपको आने वाले ब्लॉग्स में पता चलेगी। तो अगर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना आप, क्योंकि बेल आइकन जरूर ऑल पे सेट करना, क्योंकि मेरे कोई टाइमिंग नहीं डालने की, तो ऑल पे सेट करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा। तो आपको पूरा खर्चा कितना है, कैसे है, कहाँ पे आओ, कहाँ रुको, सबके नंबर वगैरह सब मिलेंगे दोस्तों बिना टेंशन के। मस्त गुन्नू को भैया के शॉप पे बैठा रखा था हमने, और बिल्कुल इसके सामने वहाँ पे रील वगैरह हम सब बना रहे थे यहाँ पे। तो भैया ने काफी सपोर्ट किया, इसी यहीं से शॉपिंग वगैरह की गुन्नू के लिए। तो अब चलते हैं ऐसे, थैंक यू भैया।
चलेंगे थोड़ा सा और घूमते हैं, एक डेढ़ घंटे का टाइम है, और कैसे भी निकालते हैं फिर चलते हैं। क्योंकि देखो रियलिटी है, यहाँ से जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही है। जैसे जैसे टाइम करीब आ रहा है ना, वैसे वैसे लग रहा है यार अब चले जाएंगे, अब चले जाएंगे, अब चले जाएंगे, तो वो चीज़ें हैं। खैर चलते हैं, आगे मिलते हैं आपसे। ऐसे लग रहा है जैसे स्वर्ग में घूम रहे हैं आकर के। खैर अब धीरे धीरे स्नो कम हो रही है, तो ऊपर तक का सब दिखने लग गया ना, तो अभी कुछ दिख नहीं रहा था। मुझे लगता है शायद शाम होते थे और कम हो जाए, आई होप सो कम हो जाए तो बहुत ठीक है, आराम से निकल पाएंगे यहाँ से। अब स्नो कम हो रही है, उतनी नहीं गिर रही, अगर आप देखो कैमरे में कम है। कितना प्यारा लग रहा है ये, सो मतलब बिल्कुल मनमोहने वाला दृश्य है ये। ये लगी हुई है ठंड में आइसक्रीम खाने में। कैसे लग रही है इसकी? कितने की है? 40 रुपीस। वाह यार अच्छा है, 40 रुपीस में इतनी अच्छी आइसक्रीम मिल गई खाने को। अरे मेरे दांत खराब हो जाएंगे। तो यहाँ पे मिल रही थी जैसे मैंने पहले बताया 40 रुपीस की आइसक्रीम मिलती है, और फ्लेवर वगैरह अच्छा है इसका, बहुत अच्छा है। देखो अभी क्या है, मेरी तो पहले से बस बुकिंग थी, भैया की और दी की ना बस ना बाद में इन्होंने बुक की है, तो अभी देखने जा रहा है कि क्या भाई क्या हम दोनों की बस बराबर मतलब एक जैसे सेम है या नहीं है, सेम है कि नहीं है। क्योंकि जब से हम आए हैं तब से पता नहीं क्या हम लोग साथ ही, बल्कि इनकी बस 2 दिन बाद थी और पता नहीं क्या हुआ कि हमारे साथ ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, तो अभी बस मैं बस नंबर देख रहा हूँ कि भाई वो दोनों की सेम आती है कि नहीं आती है। अगर बस नंबर मैं दिखूंगा नहीं, देखिए बस नंबर सेम आती है कि नहीं आती, क्योंकि टाइमिंग तो सेम है। बस नंबर बताओ आप। बस नंबर मैच करते हैं HR38AB0009, यही नंबर है ना यहाँ पे लिखा है। ओटीपी के ऊपर मैं अभी तो निकाला था, मैं देख के पी बोला हूँ। HR38 है ना। तो देखो संजोग से हुआ क्या, मुझे दिखाओ संजोग से। संजोग से बस नंबर बिल्कुल सेम है, सीट नंबर क्या है। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप आते हो ना दिख रहे नीचे कैसे, फिर हम ही बोलते हैं कि भाई प्रकृति ऐसे चेंजेस क्यों कर रही है, देख रहे मतलब हमारे जैसे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं ना, इन्होंने ही ये कार्यक्रम किया है पूरा जो दिख रहा है। यहाँ के लोकल नहीं करते इतनी ज़्यादा चीज़ें, तो प्लीज़ अगर आप आते हो ना कचरा कोशिश करो या तो डस्टबिन में पहुँचाओ या जेब में रख करके आप होटल के पास आ रहे हो तो वहाँ ड्रॉप कर दो। ऐसे नहीं जैसे ये देखो सब फेंका हुआ है। फिर बोलते हैं गर्मी पड़ रही है तो मौसम ख़राब हो रहा है तो दिक्कतें हो रही है, तो प्लीज़ आप इन चीज़ों का ध्यान दो। बहुत सारी चीज़ें देखो बर्फ़ में ही चीज़ें हैं तो दब चुकी हैं, ये सब बहुत नुकसान करती है बाद में, तो प्लीज आप इनका ध्यान रखें। यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से, मोटे वो मंजिल आएगी नजर साथ चलने से। देखो क्यों गा रहा हूँ, ठंड पड़ रही है बहुत ज्यादा, तो रहना चाहिए ना साथ खेलते लेके आए, तो मोटे को छोड़ो आने लेकर के जाऊंगा प्रॉपर यहाँ पे। फ्लोर फोन कभी कभी कम हो रही है, कभी कभी ज्यादा हो जा रही है, क्या बताऊँ। तो सोचते हैं कि थोड़ा चाय वाय पी ली जाए, हाँ नालाई की कमी थोड़ी, थोड़ा सा व्यू मुझे अच्छा दिखा, देखो आप मजे लो। नहीं बंद है, क्या है क्या ये? पार्क ये क्या है? अरे यार वैसे भी टाइम बैठे बैठे बिताना ही, चलो मैं बार बार बोल रहा हूँ बाय बाय करेंगे बाय बाय करके, पर टाइम लग रहा है, पर अब निकल रहे हैं यहाँ पे। कुछ देर के लिए हमने रूम लेके रखा था, अब यहाँ से निकल रहे हैं। बाहर का व्यू आप लास्ट देख लो, फिर लास्ट में दिखाते दिखाते तो मैं चलूँगा ही, थोड़ी स्नो कम हो गई तो क्या अच्छा दिख रहा है इस समय। आइए आइए आइए, सुबह बढ़ाइए व्लॉग के आकर के, ये देखो पैक कैसे हुई है, क्योंकि है ना अब क्या स्नो बंद हो रही है धीरे धीरे और अब ठंड इसमें चढ़ रही है धीरे धीरे, तो जब तक मुझे लगता है ठंड चढ़ेगी हम मनाली को बाइक करके निकल चुके हैं, जितना हम नीचे उतरेंगे उतनी ठंड भी उतरने लग जाएगी। नीचे का टेम्परेचर वगैरह हमने चेक कर लिया, सही है नॉर्मल है, कहीं बारिश भी कुछ नहीं है। तो आप लास्ट टाइम देख लो और सब्सक्राइब करो दोस्तों, क्यों दोबारा जल्दी आप जितनी जल्दी सब्सक्राइब करो फैमिली बढ़ाओगे ना उतनी जल्दी हम और जल्दी आ पाएंगे, अब आपके हाथों के अंदर कितनी जल्दी आप दोबारा देखोगे इसको। तो चलिए चलते हैं रास्ते में मिलेंगे आपसे। पिच्चू को दिखा रहे, पिच्चू क्या कर रहे हैं, पिच्चू चले घर पे नदी, चलो नदी भी दिखा देंगे, हटो हटो पिच्चू को दिखा दें,
मैं पूछूं चले घर चले घर नहीं चले चलो भाई चलते हैं।